हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी जानते हैं कि कल रात को एक नोटिफिकेशन आया है हमारा SBI अप्रेंटिस के रिगार्डिंग। तो ये वीडियो जो है वो उसी के बारे में होने वाला है। कुछ उसके मिथ्स हैं, कुछ उसके फैक्ट्स हैं, कुछ डर है लोगों का, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, तो उस जॉब के रिगार्डिंग, उस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो वो सारे के सारे डाउट्स आपके जो हैं वो उस वीडियो में जो है आपके हैं वो दूर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम यहाँ पर SBI अप्रेंटिस 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो ये देखिए, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो भी लिखा है यहां पर, ठीक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 1/9/23 से लेकर 21/9/23, 1/9 मतलब आज 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक के जो फॉर्म जो है वो चलने वाले हैं। फॉर्म कैसे भरना है? ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन एग्जाम की डेट जो गिवन है वो अक्टूबर नवंबर में गिवन है, लगभग डेढ़ महीने बाद, मतलब मिड अक्टूबर या अक्टूबर एंड में, नवंबर में भी आपका एग्जाम जो है वो हो सकता है इस अप्रेंटिस वाले फॉर्म का, ठीक है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजंस फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो आप यहां क्लियरली बोला गया है यू शुड बी अ इंडियन सिटीजन। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट वन स्टेट, एक कैंडिडेट जो है एक स्टेट से ही अप्लाई कर सकता है। मैं आपको समझा दूं पहले आपको करना क्या है यहां पर। इसमें जो है वैकेंसीज जो आई है वो आई है 6061 समथिंग, है ना, 6000 से ऊपर आपकी यहां पर वैकेंसीज आई हैं। आपको यहां पर सिर्फ अपने स्टेट से ही, एक स्टेट से आप जो है उसको फिल कीजिए। अपना स्टेट मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहां पर लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, लैंग्वेज भी आपसे मांगी गई है, तो इसलिए एक कैंडिडेट सिर्फ एक स्टेट से भरिए और प्रेफरेबली आपका जो स्टेट है, जो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ये इसका यहां पर मतलब है, जो ये पहला पॉइंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो एग्जाम है बैंक थ्रू ऑनलाइन मोड आपको भरना है, ये सब कुछ यहां पर लिखा है। चलो ये हो गया मेन चीज। ट्रेनिंग सीट्स जो है स्टेट यूटी वाइज जो आपकी सीट्स है वो मेंशनड है, सारे के सारे जो सीट्स है ना, जो सारा का पूरा परफॉर्मा है वो नीचे जो लिंक हुआ है वहां पर जाके आप उस पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टेट वाइज आपको सारी चीजें वहां से मिल जाएंगी, ठीक। चलो आगे अब देखिए, यहां पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज लिमिट क्या मांगी गई है। आपकी होनी चाहिए 20 साल से लेकर आपकी एज होनी चाहिए और 1/8 तक, 27 साल तक आपकी एज यहां पर होनी चाहिए। यही सेम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपको होना चाहिए ग्रेजुएट एक यूनिवर्सिटी से और 1/8/23 तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो जानी चाहिए, मतलब अगस्त जो आपका चला गया है 1 अगस्त तक आपकी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। यहां पर आपकी जो ट्रेनिंग है वो चलेगी 1 साल तक, ट्रेनिंग चलेगी 1 साल तक और आपको पैसे मिलेंगे भाई, स्टाइपेंड जो मिलेगा वो मिलेगा 15,000 रुपए। जी हाँ, नौकरी आपकी सिर्फ 1 साल तक के लिए है, पहली बात तो ये, आपको जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 15,000 रुपए तक। पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी, उस स्टेट में होगी जो स्टेट आप फिल करेंगे, अपना लोकल स्टेट, और स्टेट में भी आपके अलग अलग जो शहर है, जो आपके जोन है वहां पर आपको बांटा गया है, वहां पर आप यह जो है वो काम करेंगे 1 साल तक। 1 साल के बाद आपकी ये नौकरी नहीं रहेगी। लेकिन वेटेज रिलैक्सेशन इन रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर एसोसिएट, अब अगर आप ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस जो है करते हैं 1 साल का, अगर आप 1 साल का अगर आप अप्रेंटिस करते हैं, इन्होंने क्लॉज यहां पर गिवन है, अगर आप जूनियर एसोसिएट का फॉर्म भरते हैं या आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो वेटेज रिलैक्सेशन टू अप्रेंटिस इन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट शैल बी गिवन एज पर द रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ द बैंक एज अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। 1 साल तक आप यहां पर काम करेंगे, आप बैंक को समझेंगे, आप बैंक के माहौल को समझेंगे, आपको एक आपको लेटर जो है मिल जाएगा। वो लेटर पूरा होते ही अगर आप किसी क्लरिकल जॉब के लिए, जूनियर एसोसिएट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पर वेटेज दिया जाएगा, इन्होंने ऐसा यहां पर बोला है, वो डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसकी आपकी पोस्ट जो बेकार है, क्योंकि उनको भी पता है क्या होता है, आप ना 1 साल वहां से काम करके आ चुके हैं, आपने 1 साल वहां पर काम कर लिया है और अब उनको आपको काम उतना समझाना नहीं पड़ेगा, तो उनको एक पका पकाया जो है वो जो एक इंसान है वो मिल गया है, तो उनका काम इजिली कर सके। प्लस अगर आप SBI PO या फिर आप किसी भी इंटरव्यू जॉब के लिए जाते हैं बैंक में, है ना, IPS आपको एग्जाम कराता है, वहां आपका इंटरव्यू है, और आप अगर ये सर्टिफिकेट दिखाते हैं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं उसका फायदा क्या क्या हो सकता है, आपका इंटरव्यू है, आपने बताया कि मैंने 1 साल अप्रेंटिस काम किया है, तो SBI PO तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करेगा ही करेगा, मतलब ये उनकी सोच हो जाती है। क्योंकि आप खुद देखो ना, मैं अगर 50 लोगों को यहां पर अगर भर्ती कर रहा हूं और आप एक ऐसे इंसान है कि यार इसमें कुछ अलग है, इसने 1 साल तक काम किया है, इसने 1 साल तक सारी चीजें की हैं
ऑफिस की, बैंक का, इसको चीजें पता है, तो मुझे उस पर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, मुझे आप पर उतना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, तो मेरी जो वैल्यू है, आपकी जो वैल्यू है मेरी नजरों में अलग कहीं ना कहीं से जो है अलग से वो बढ़ जाएगी। तो ये जॉब का फायदा है। और बाकी आपको काम सीखने के लिए मिलेगा, एक साल तक आपको जो है वो 15,000 रुपए भी मिलेंगे और आपको काम सीखने के लिए मिलेगा। ये जॉब का बेसिकली फायदा है। कई लोगों को मिथ होता है कि जॉब करें ना करें, प्राइवेट है, प्राइवेट तो है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी एक साल के लिए, लेकिन फायदे इसके कहां मिलेंगे आपको, आपको वेटेज मिलेगा जूनियर एसोसिएट में, और इनडायरेक्ट वेटेज आपको मिलेगा अगर आप किसी भी पीओ के इंटरव्यू के लिए अगर आप अपियर जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहां पर हो गया। आगे बात करें आपका एग्जाम कैसे कैसे होगा, ये आप देख लीजिए। आपके यहां पर दो टेस्ट होंगे, एक होगा आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट, एक होगा आपका टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी 25 सवाल, इंग्लिश 25 सवाल, क्वांट्स 25 सवाल, रीजनिंग 25 सवाल, 25-25 नंबर के होंगे, 15-15 मिनट का टाइम होगा, एक घंटे में आपको जो पेपर देना है। रही बात लैंग्वेज की, इंग्लिश आपकी इंग्लिश में ही आएगी, बाकी जो मीडियम ऑफ टेस्ट है वो आपकी लैंग्वेज, यहां पर जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे, जो भी आपका सीट फिल करेंगे वो उसमें आपकी आ सकती है अगर आप चाहें तो। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। और फिर है आपका फीस, भाई जॉब प्रोफाइल है, अप्रेंटिस है आपका, ये एम्प्लॉयमेंट इन बैंक में नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, लेकिन जो ये अप्रेंटिस जो होते हैं एम्प्लॉयज को जो काम सिखाते हैं टाइटर, अगर आप देखिए आप किसी बैंक में जाते हैं, जो मे आई हेल्प यू वाले जो एक डेस्क होती है, आपके फॉर्म फिल कराना, अलग अलग जो काम होते हैं आपके जो ऑफिशियल नहीं होते, जो बेसिकली कस्टमर से रिलेट करते हैं, ये आपका पूरा प्रोफाइल होता है अप्रेंटिस वाला। फॉर्म आपका जो है वो 300 रुपए का फॉर्म है, SC ST PWBD के लिए कोई भी चार्ज आपको जो है वो नहीं देना है। 300 रुपए का फॉर्म फिल करेंगे, 60 मिनट का आपका पेपर है, 100 नंबर का आपका सवाल आपको पूरा पेपर आएगा, 60 नंबर आपका टाइम है, तो इसके लिए परेशान मत होना, इसको अच्छे से फॉर्म को फिल कर दो भाई, कोई बुराई नहीं है फॉर्म फिल करने में, फॉर्म फिल करो। अगर कोई कुछ अगर जॉब करनी है तो कहीं ऐसी जगह जॉब करो ना ताकि आपको आगे फायदा ही मिले। अगर कुछ नहीं आपके पास, सबसे बेस्ट है कि आप इसको फिल कीजिए, आपको आगे क्लर्क में, जूनियर एसोसिएट्स में और इंटरव्यूज में आपको बहुत यहां से जो है वो हेल्प मिलेगी। ठीक है, और रही बात आपका जो SBI PO का जो नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, अगर आपको उसकी तैयारी करनी है हमारे साथ एग्जाम बी के साथ, तो आप हमारा SBI PO एक्सक्लूसिव बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, जो XPOs हैं SBI के, SBI में जो XPO रह चुके हैं, SR सर हैं, मनोज सर हैं, कंसल सर हैं, सुशील लगड़े सर हैं, तो ये सभी के सभी XSBI PO रह चुके हैं, सब आप यहाँ पर गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। ये हमारे कुछ फीचर्स हैं SBI PO 2023 एक्सक्लूसिव कोर्स के। यहाँ पर आपको स्पेशल व्हाट्सएप क्यूआरई ग्रुप्स मिलेंगे, मंथली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मिलेगी, वीकली क्विज मिलेंगे, स्पीड बूस्टर सेशन है, स्पेशल डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश क्लासेस है, वन ऑन वन सेशन है एक्सपर्ट के साथ, डेली लाइव क्लास, स्पेशल GA क्लास, डाउनलोडेबल स्टडी नोट्स, वीडियो लेसन्स, ये सब आपको यहाँ पर ही मिलेगा। इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8920687832, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाइए www.iexambi.com पर। ठीक है, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है इस फॉर्म के बारे में, अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो अप्रेंटिस के रिगार्डिंग, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपके वहां पर रिप्लाई जो है, डाउट जो है, जो भी आपकी दिक्कत है, मैं वहां पर उनको रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फटाफट जाओ, आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म फिल कर दो, अपनी पढ़ाई में जो आप लग जाइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।